कि आज का लेक्चर है हमारा डेटा एंड इट्स टाइप्स। और डेटा की जो टाइप्स हमने रीड करनी है ये हम लोग करेंगे बाय कलेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे कि डेटा किसे कहते हैं। ओके, अगर वन मोर डेफिनेशन हो तो डेटा इज़ नॉलेज, डेटा इज़ इंफॉर्मेशन, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को हम डेटा कह सकते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनी फैक्ट्स और फिगर्स फ्रॉम विच कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। कोई भी फैक्ट और फिगर हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी इनके कोई भी फैक्ट्स और फिगर हैं, कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और कोई भी इवन के टेक्स्ट की फॉर्म में भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे नेम, ये भी हमारे पास क्या है, एक डाटा है। नेम ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या है, डाटा है। ठीक, एनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, कोई भी ऐसी वैल्यू जो ऑब्जर्व की गई हो। आपने अक्सर कहा देखा होगा सर्वे फॉर्म्स होते हैं, क्वेश्चनायर्स होते हैं, आपको दिए जाते हैं फिल करने के लिए। उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कहा जाता है कि आप जो मोस्ट सुटेबल इंफॉर्मेशन है आपसे उसके फिल करें इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम इनको डाटा प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने आप से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे डाटा की एग्जांपल में है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी इस किस्म की एग्जाम्पल जो आप पोर्ट करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ केमिकल्स, नेम ऑफ बेस्ट चैनल्स पाकिस्तान मीडिया, ओके, नेम ऑफ न्यूज़ चैनल्स, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी एग्जांपल जिसे सुटेबल लगती है वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा क्या है बाय कलेक्शन। बाय कलेक्शन हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डाटा, नंबर वन इज़ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का नेम से भी आइडिया हो रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट है, जो अभी रिसेंटली कुछ हमने लिया है। प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। फर्स्ट हैंड डाटा वो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपने खुद कलेक्ट की हो, या अगर किसी से करवाई भी हो तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली गई हो। ठीक है, सेकेंडरी डाटा वो है जो थ्रू अदर सोर्स आपके पास आई हो। ठीक है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो के आपने उस डाटा को नहीं दिया। ओके, डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, इसका और नेम इसका रॉ डाटा भी है। ओके, प्राइमरी डाटा मींस द रॉ डाटा व्हिच हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड, ऐसा डाटा जिसको आपने अभी अभी कलेक्ट किया फ्रॉम दिस सोर्स, किसी भी सोर्स से। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जिस तरह सर्वे फॉर्म्स का नाम लिया, क्वेश्चनायर का नाम लिया कि वो हमने फिल करवाते हैं, या इवन कि हम किसी से इंटरव्यू करके ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी सोर्स है डाटा का। ओके, पहली बात तो ये आ गई कि वो डाटा रॉ डाटा है जो कि आपने कलेक्ट किया है, एंड सेकेंड बात क्या आ गई, हैज़ नॉट गॉन एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, और वो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से ना गुजरा। फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग फर्स्ट हमारा क्या होता है कि हमने क्या काम करना, हम डेटा को अरेंज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या समराइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से ना गुजरा हो, लाइक सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में तरतीब देना किसी भी चीज़ को, अरेंज फॉर्म में करना, एंड टेबुलेशन या टेबल फॉर्म में। The term primary data may sometimes be used to refer the first-hand information. Primary data को हम किस तरह से first-hand information या first-hand data भी कहते हैं। ये थी हमारी definition primary data की। अब हमारे पास next definition है secondary data की। Okay, secondary data, second-hand data भी इसको कहा जा सकता है। इसकी definition क्या है? Data which has already been collected. ठीक है? ऐसा data जो पहले से कलेक्ट हुआ है बाय समवन। ठीक, ऐसा डेटा जिसको किसी और ने कलेक्ट किया, मे बी सॉर्टेड, और पहली बात ये हो गई कि किसी और के थ्रू किसी और रेफरेंस से हुआ है कलेक्ट, और दूसरी बात कि वो मे बी सॉर्टेड और टेबुलेटेड। सॉर्टिंग या टेबुलेशन आपकी स्टेटिस्टिक की मेथड है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट जब गुजर चुका है, मे बी सॉर्टेड टेबुलेटेड एंड हैज अंडरगोन एट लीस्ट वंस इन अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, किसी भी एक स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से वो गुजरा हुआ, तो ऐसे डेटा को क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी डेटा। ओके, रिपीट कर लेते हैं। प्राइमरी डेटा वो
जो आपने खुद बाय हैंड कलेक्ट किया और किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा। सेकेंडरी डेटा वो जो किसी और रेफरेंस के थ्रू, किसी और सोर्स के थ्रू कलेक्ट हुआ है और एटलीस्ट वन स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर चुका हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन चार्ट। तो सबसे पहले आ गया बेसिस फॉर कंपैरिजन में इसका मीनिंग। प्राइमरी डाटा क्या है? रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जो भी रिसर्चर है वो उस डाटा को खुद कलेक्ट करेगा अगर, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, किसी और के थ्रू वो डाटा कलेक्ट किया गया है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। ओके, डाटा की टाइप किस तरह से होती है? प्राइमरी डाटा होता है रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा का मतलब ये है कि जो सिचुएशन है उसी टाइम आपने उस रिसर्च को करके, मतलब कि एक लेटेस्ट डाटा आपके पास होता है वो, ठीक। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या है? पास्ट डाटा। सेकेंडरी डाटा को हम पास्ट डाटा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं या हम थ्रू वेबसाइट, किसी थ्रू इंटरनेट आप लोगों ने मतलब सर्च किया है या आपने किसी बुक से मटेरियल लिया, वो जो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, मतलब वो करंट डेटा नहीं है, वो प्रीवियस डेटा है। ओके, और प्राइमरी डेटा का, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास बेसिस फॉर कंपैरिजन में प्रोसेस। प्राइमरी डेटा में वेरी इन्वॉल्व्ड किस सेंस में? क्योंकि आप खुद इस डेटा को कलेक्ट करते हो, आपको पता है कि ये डेटा आपने कलेक्ट किया है, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या नहीं है, इसमें कौन सी चीज़ है जो, मतलब आपको पता है ना, रिलायबिलिटी उस चीज़ की ज़्यादा होती है जो काम आपने खुद किया, उस चीज़ की रिलायबिलिटी कम होती है जो आपने किसी और के थ्रू किया, जो आपकी आंखों के सामने ही नहीं हुआ काम, ठीक। तो प्राइमरी डाटा का प्रोसेस क्या है? वेरी इन्वॉल्व। सेकेंडरी डाटा का है क्विक एंड ईजी। ओके, यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं। प्राइमरी डाटा में क्या है? वेरी इन्वॉल्व, टाइम बहुत लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में मैं एंटर होती हूँ, आपकी 50 की स्ट्रेंथ है और मैं हर स्टूडेंट से उसका नेम पूछती हूँ, उसकी रोल नंबर पूछती हूँ, तो वन बाय वन करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाना। लेकिन इन केस मैं अगर आपके डिपार्टमेंट से ही आपका डाटा कलेक्ट कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए क्विक एंड ईजी है, वहाँ पे मेरे लिए लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस फॉर कंपेरिजन में सोर्स। सोर्स में प्राइमरी डेटा में क्या है? सर्वेस, ऑब्जर्वेशन आती हैं इसमें, एक्सपेरिमेंट करके आप जो खुद डाटा कलेक्ट करते हो वो भी आपका प्राइमरी डाटा है, जिस एक्सपेरिमेंट को आपने खुद कंडक्ट किया। क्वेश्चनायर्स, जो आप क्वेश्चनायर इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वेस भी आप करते हैं, क्वेश्चनायर एक पेपर होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए होते हैं, सवालनामा उर्दू में इसको जिसको कहते हैं। प्राइमरी डाटा में हमारे पर्सनल इंटरव्यू भी है, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू भी आ जाता है इसमें, ठीक। और सेकेंडरी डाटा में हमारे पास सोर्स में आ जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो डाटा जनरेट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर हम उनसे कलेक्ट करें डाटा तो वो क्या आ जाएगा? सेकेंडरी डाटा में। थ्रू वेबसाइट्स अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो तो वो भी सेकेंडरी डाटा में है, किसी बुक्स से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो भी आपके पास सेकेंडरी डाटा है, जर्नल आर्टिकल्स या इंटरनल रिकॉर्ड्स, किसी भी ऑफिस के रिकॉर्ड अगर आप लेंगे तो वो भी आपके सेकेंडरी डाटा में आएगा। नेक्स्ट है बेसिस फॉर कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, किसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है? प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव है, आपको टोटली खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें और आपकी कॉस्ट भी लगती है। और सेकेंडरी डाटा इकोनॉमिकल है, यानी कि लेस कॉस्ट आपको इस पर रिक्वायर्ड होगी, जिसने भी काम किया है वो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, उनके पास वो डाटा मौजूद है, आपने जस्ट वो डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट से अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है या किसी आर्टिकल से या कोई पब्लिकेशन किसी न्यूज़पेपर से, तो उस पर आपकी कॉस्ट कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू आप खुद किसी जगह पे जाओ और जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करो। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन टाइम। पहले ही डिस्कस हो गया कि प्राइमरी डेटा टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है, सेकेंडरी डेटा में आपको शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड है।
ओके, स्पेसिफिकेशन में इसका आ गया है कि प्राइमरी डेटा हमेशा ऐसे ही होता है कि जो आपकी ज़रूरत है, रिसर्चर नीड के अकॉर्डिंग आपको डेटा अवेलेबल होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो. ठीक, न्यूज़पेपर में या किसी भी वेबसाइट पे, और यूजुअली ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो हमें बहुत सी वेबसाइट्स को विज़िट करना पड़ता है, तब भी जाके हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलती. लेकिन क्योंकि प्राइमरी डेटा में क्या है कि आपने जो भी स्टार्ट किया, सर्वे किया है, क्वेश्चनार बनाया, इंटरव्यूज़ किए हैं, कुछ भी रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग मिलता है. लेकिन सेकेंडरी डेटा में आप क्योंकि पहले से किसी का किया हुआ काम देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टोटली आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो. उसमें या तो कुछ होगा जो एक्स्ट्रा होगा, या कुछ ऐसा होगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा, वो उसमें अवेलेबल नहीं होगा. अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, क्रूड फॉर्म इन रफ फॉर्म में आपके पास होगा, ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होगा, और क्योंकि किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा हुआ होता, तो इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको कहीं यूज़ करना आपके लिए मुश्किल होता है, अनलेस आप इसको रिफाइंड फॉर्म में ना लें, यानी कि इसको किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजार के टेबुलेशन में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी तरह से आप इसको करके रिफाइन फॉर्म मिलाकर आप इसको यूज़ करेंगे तो. और वैसे भी अगर प्राइमरी डेटा पे कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आप अप्लाई करेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका. ओके, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये पहले ही डिस्कस हो गई कि प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व होते हो, आपने खुद कलेक्ट किया होता है, तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा में आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सेकेंडरी डेटा में आपकी रिलायबिलिटी कम है. ओके, तो यहाँ तक ये हमारे पास ये था.